कि भाई सेक्स के लिए है ये। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मोहम्मद वसीम अंसारी एंड वेलकम टू माय चैनल अगेन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे इंशाल्लाह। तो देखिए, आपको थंबनेल से मतलब जो टाइटल है उससे ही पता चल गया होगा कि बेनिफिट्स ऑफ डेट्स, बेनिफिट्स ऑफ खजूर। तो इसके बेइंतहा फ़ायदे हैं माशाल्लाह, मैं कई सारी वीडियो में बता चुका हूँ लेकिन थोड़ा थोड़ा बताया। और एक मेरे जो व्यूअर्स हैं और जो मेरे सब्सक्राइबर, उनका मैसेज भी आया कि भाई सही तरीके से अच्छी तरीके से एक वीडियो बना के दिखाओ कि खजूरों के क्या फ़ायदे हैं और क्या किस तरीके से खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, किस चीज़ के लिए फ़ायदेमंद है, मुफीद किस चीज़ के लिए। तो इंशाल्लाह उसी के लिए वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो मेरी वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं इसके, मैं आपको गिनवाना शुरू करता हूँ। इसमें देखिए, पहला फ़ायदा ये है कि जो हार्ट के पेशेंट है ना, दिल के पेशेंट, उनके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। जैसे किसी को हार्ट अटैक आया हुआ या फिर दिल कमज़ोर है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है ये। और वो अगर खाता है इंशाल्लाह, कम से कम 3 खजूर खाने चाहिए या ज़्यादा से ज़्यादा 7 खजूर खाने चाहिए। मतलब 3 से कम इसलिए मना कर रहा हूँ क्योंकि भाई देखिए, 1 या 2 खाएंगे तो ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। तो कम से कम 3 खजूर खाएं या ज़्यादा से ज़्यादा 7 खजूर खाएं। और देखिए, डिपेंड करता है कि आप कौन सा खजूर खा रहे हैं। अब आप आलू खजूर खा रहे हैं, कीमिया खजूर खा रहे हैं, तो देखिए वो क्वान्टिटी ज़्यादा ही रखनी पड़ेगी क्योंकि उसमें जो इंग्रीडियंट्स है वो कम होते हैं। लेकिन आप अजवा खा रहे हैं, आप मैजोल खा रहे हैं या कलमी खा रहे हैं, तो उसमें इंग्रीडियंट बहुत ज़्यादा होते हैं। वो नेचुरल खजूर होते हैं जो खेतों से, फसलों से निकाले गए हैं, वो नेचुरल खजूर होते हैं, उनके फ़ायदे बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो पहला बताया मैंने, जो हार्ट के पेशेंट है उनके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। जिनको हार्ट अटैक आ गया या फिर जिनका दिल कमज़ोर है, वो छोटी छोटी बातों से डर जाते हैं, आवाज़ों से डर जाते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। दूसरा, आपके कोलेस्ट्रॉल को, आप कोलेस्ट्रॉल जो है आपको उसको कंट्रोल रखता है ये। देखिए, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी जो है, परेशानी जो है, सबको ही होने लग गई है, तो उसको बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखता है। तीसरा बहुत अच्छी चीज़, इसका फ़ायदा ये है कि जो आपका कब्ज़ है, आपका जो पेट है, आप उसको, आपको कंट्रोल करता है, मतलब उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है ताकि आप ईजिली कुछ भी खा सकें, वो पच सके। ठीक है, उसके बाद चौथा जो है, हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। जैसे कि हम बच्चों को खिलाएं या बुज़ुर्गों को हम खिलाएं या फिर हम जैसे जवान लड़के लड़कियां हैं जो वो खाएंगे, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है क्योंकि हम दिन भर में देखिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, घर में खाना बनाना है, पकाना है, ठीक है, उसके बाद बच्चों को संभालना है, फिर बहुत सारी चीज़ें हम एक्टिविटीज़ करते हैं। तो हमें कम से कम 3 खजूर या ज़्यादा से ज़्यादा 7 खजूर रोज़ खाने चाहिए क्योंकि उसके क्या होगा, हम खाएंगे ऐसे तो हमारे जो हड्डियाँ हैं हमारी स्ट्रांग रहेंगी। और इसमें देखिए, इसलिए स्ट्रांग रहेंगी क्योंकि कैल्शियम इसके अंदर है, पोटेशियम इसके अंदर है, मैग्नीशियम इसके अंदर है, विटामिन बी इसको मिलेगा इसके खाने से। तो आपकी हड्डियाँ जो है स्ट्रांग बनेंगी, आप काम के लिए लायक होंगे किसी चीज़ के लिए। तो वो ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत ज़्यादा अच्छी बात है ये कि आपकी सब चीज़ें स्ट्रांग होंगी सिर्फ खजूर की। और बताया कि मैंने एक डॉक्टर से भी सुना था और मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये उन्होंने फरमाया था कि भाई अगर उनके कब्ज़े में होती ना ये बात कि वो खजूर को क्या बोलना चाहेंगे, तो खजूर को उन्होंने बताया कि वो तो फूड कंसीडर कर देते, इसे खाना, इसको एक खाने की लिस्ट में डाल देते, ड्राई फ्रूट में नहीं रखते, खाने की लिस्ट में डाल देते खजूर को, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसके अंदर बहुत ज़्यादा बेइंतहा फ़ायदे रखे हैं। इसे खाने की लिस्ट में डाल देते, कैटेगरी में डाल देते, इसे फूड कंसीडर कर देते कि भाई खजूर खाओ खाने की तरह, जैसे लंच में खाओ, डिनर में खाओ, मॉर्निंग में खाओ, इसे खाने की तरह खाओ खजूर। आप अगर सऊदी की तरफ जाएंगे या फिर अरब कंट्रीज़ की तरफ जाएंगे, सऊदी वाले लोगों से देखेंगे तो वो 100-100 ग्राम 250-250 ग्राम खजूर यूँ ही खा जाते हैं। 100-100 ग्राम 250 ग्राम खजूर यूँ ही खाए जाते हैं भाई। वो इसलिए खा जाते हैं और इसलिए क्योंकि उनकी देखिए, पहली बात तो बचपन से खाते हैं वो, दूसरा बात वो खाते हैं इसलिए वो स्ट्रांग रहते हैं, वो लंबे लंबे चौड़े चौड़े रहते हैं, इसी वजह से रहते हैं। उनकी जो पावर एंड स्ट्रेंथ है, स्टेमिना बहुत ज़्यादा बूस्ट करती है इसी वजह से, क्योंकि वो खजूर का सेवन करते हैं। तो हमें भी चाहिए कि हम खजूर का सेवन करें, अपने बच्चों को, अपने बुज़ुर्गों को, अपने हम जो यंगस्टर हैं उन हमको ज़्यादा लेने चाहिए खजूर। ठीक है, और दूसरा पांचवा पॉइंट ये है, 4 पॉइंट हमने कवर कर लिए, पांचवा पॉइंट ये है कि अगर कोई चाहता है उसकी सेहत बने, वो थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाए या फिर अब मोटा हो जाए या फिर हेल्दी हो जाए, तो उसके लिए चाहिए कि वो दूध के साथ खजूर का सेवन करे, खजूर खाए दूध के साथ। और दूध के साथ कैसे खाना है कि खजूर जो है, मैं साथ साथ में देखिए आपको तरीका भी बता रहा हूँ, जैसे मैंने बताया तरीका भी बता रहा हूँ, तो आप मिक्स ना करें, मैं दोनों चीज़ें कंप्लीट कर रहा हूँ कि कैसे खाना है, क्या खाना है, कितने खाने हैं। ठीक है, तो दूध के साथ ऐसे खाएं कि कम से कम 3 या 5 खजूर रोज़ दूध में उबाले, और इतना उबाले कि 15-20 मिनट, ताकि वो रेड रेड हो जाए दूध, उसका जो कलर है खजूर का वो उसके अंदर आ जाए, और फिर उस खजूरों को खा जाए, और फिर उसके बाद वही दूध पी ले रोज़ रात को। ठीक है, तो ये खाने का तरीका, इंशाल्लाह उससे लगी जात से उम्मीद है कि आपका हेल्थ जो है स्ट्रांग होगी, आपका जो वजन है वो बढ़ेगा और आप हेल्दी वाले स्ट्रांग बनेंगे। ऐसा नहीं कि किसी भी तरीके की मतलब आप मोटे होते जा रहे, ना, आप हेल्दी वाले स्ट्रांग हैं इंशाल्लाह। ठीक है, और उसके बाद बताया कि सबसे मेन पॉइंट जो मैं कवर करना चाहता हूँ इसमें, सबसे मेन पॉइंट, बहुत सारे लोग मुझसे फ़ोन करके पूछते हैं, कमेंट्स में भी पूछते हैं कि भाई सेक्स के लिए है ये,
तो भाई सेक्स के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। देखिए मैं इसमें शर्म इसलिए नहीं कर रहा, मेरा काम है ये आपको बताना, मेरा काम है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। बहुत सारे लोग ये वर्ड यूज़ करते हैं मर्दाना ताकत के लिए। जी भाई, मर्दाना ताकत के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी है और हमें अपनी मर्दाना ताकत का ध्यान रखना चाहिए। वी आर मैरिड, अगर हम मैरिड हैं तो हमें मर्दानी ताकत का ध्यान रखना चाहिए, ज़रूरी है, ठीक है। तो आपकी स्टैमिना, आपका स्ट्रेंथ, आपका टाइमिंग ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा इंशाल्लाह। तो आप ये खाएँ कम से कम 3 खजूर, ज़्यादा से ज़्यादा 7 खजूर, ठीक है। देखिए फ़ायदे में एक चीज़ और है, मैं ये कवर करना भूल गया था। एक फ़ायदा ये है कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं, जो प्रेग्नेंट लड़कियां होती हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है। जैसे कि बहुत सारे लोग शादी कर चुके हैं, उनकी वाइफ प्रेग्नेंट होने वाली है या प्रेग्नेंट हो चुकी है, तो उनको खजूर ज़रूर खिलाएं। और अगर डिलीवरी जो नियर है या डिलीवरी हो चुके तो भी बहुत ज़्यादा मुफीद है। कम से कम आप उनको तो सोच समझिए कि 100-100 ग्राम खजूर खिलाएं उस टाइम पे। क्योंकि क्या होता है, मैं एक मैरिड पर्सन हूँ, मुझे पता है मेरे 2 बच्चे हैं माशाल्लाह, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होता है, आफ्टर डिलीवरी क्या होता है, ब्लड और जो पानी है वो बहुत ज़्यादा निकलता है। इस वजह से लड़की के अंदर, वाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ जाती है। तो उसको रिकवर करने के लिए, उसको वो जल्दी मतलब रिकवर हो जाए और वो स्ट्रॉन्ग बन जाए, उसके लिए खजूर खिलाना ज़रूरी है। क्योंकि खजूर जो है, देखो आपको कैल्शियम भी देगा, खजूर आपको मैग्नीशियम, पोटेशियम, विटामिन बी, और आपकी हड्डियों को मजबूत करेगा, आपके जो हीमोग्लोबिन है उसको बढ़ाएगा, तो ये सारी चीज़ें कवर करेगा। तो आप कम से कम 100 ग्राम खजूर उनको रोज़ खिलाएं, 100 ग्राम हो सके, अगर उनमें ताकत है तो 250 ग्राम खजूर रोज़ खाएं उस टाइम पे, जब डिलीवरी का टाइम है, होने वाली है या फिर हो चुके उस टाइम पे, तो वो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा अदर देन कुछ और खिलाने की, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें एक चीज़ और है कि अल्लाह के नबी की सुन्नत है। मैं ये आपको लास्ट में पॉइंट इसलिए ले रहा हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं यार ये तो मेरे को पता ही चल जाता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं यार ये तो अपने दीन से रिलेटेड वीडियोस बनाता है, अपने दीन को पहले प्रेफरेंस देता है, ताकि सबको रखने चाहिए। तो मैं इसलिए ये वाला पॉइंट लास्ट में ले रहा हूँ कि नबी की सुन्नत है, सहाबाओं की सुन्नत है। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इसका बिजनेस करते थे, ठीक है, इसको खाते थे, इसका सेवन करते थे। अल्लाह के नबी खुद खजूरों के साथ पानी पी के गुजारा करते थे, क्योंकि इसमें अल्लाह ने इतने सारे इंग्रेडिएंट्स रखे हैं कि अगर आप इस कुछ नहीं मिल रहा आपके पास, सिर्फ खजूर है, तो खजूर खा के पानी पी लेंगे तब भी आपका पेट भर जाएगा। अगर आप कोई और ड्राई फ्रूट खाएंगे ना, काजू, बादाम, किशमिश, अखरोट, ये चीज़ें खा के पानी पीएंगे तो उससे पेट नहीं भरेगा, लेकिन आप खजूर खाएंगे और खजूर खा के आप पानी भी पी लेंगे ना, उससे भी पेट भर जाएगा। तो यही थे बेनिफिट इसके, और भी कई सारे बेनिफिट हो सकते हैं, लेकिन मुझे अभी इतना ही ध्यान आ रहे हैं तो मैंने आपको इतना ही बता दिए। आप गूगल पे या फिर यूट्यूब पे और भी चेक कर सकते हैं। तो यही था, और मेरे पास माशाल्लाह अजवा अवेलेबल है, मैजोल अवेलेबल है, कलमी अवेलेबल है, आप मेरे से मंगा सकते हैं। मेरा नंबर और मेरे भाई का नंबर स्क्रीन पर है, आप ऑर्डर दे सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामुअलैकुम।